समाचार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें, आइए उससे पहले देखते आज के मुख्य हेडलाइंस। तेजस्वी ने नीतीश को दी चुनौती, दम है तो चुनाव में हरा कर दिखाए। नीतीश पर प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी, 2025 में जदयू के लिए 20 सीट जीतना भी मुश्किल। महागठबंधन सरकार के फैसलों पर बड़ी कार्रवाई, 1100 टेंडर किए गए रद्द। तेजस्वी ने मोदी को बताया माहिर खिलाड़ी, अब बढ़ सकती है मुश्किलें। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे पर सुधाकर सिंह का बड़ा अटैक, कहा अमित शाह का काम आग लगाना है। मनीष कश्यप का बड़ा खुलासा, इस पार्टी से लड़ेंगे चुनाव। केके पाठक ने हाई लेवल मीटिंग में लिया बड़ा फैसला, सैकड़ों शिक्षकों की जा सकती है नौकरी। एनडीए में सीट शेयरिंग पर बोली राजद, नीतीश जहां जाते हैं वहां खरमंडल मचाते। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, दीपावली होली पर मिलता रहेगा मुफ्त सिलेंडर। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़ा एक्शन, केंद्रीय चयन पर्षद के दफ्तर में ईओयू का बड़ा धावा। अब खबरें विस्तार में। विपक्ष में आने के बाद से तेजस्वी यादव 17 साल बनाम 17 महीने का जिक्र बार बार कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर वह जनता का विश्वास जीतने के लिए बिहार में यात्रा पर भी निकले हैं। एक निजी चैनल के इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कराना चाहते हैं, क्योंकि वे लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराना चाहते हैं। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, अगर उन्हें दम है तो चुनाव में हमें हरा कर दिखाएं। जन सुराज पदयात्रा के सूत्राधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से निशाना साधा है और बड़ी भविष्यवाणी की है। जी हां, उन्होंने कहा कि माननीय नीतीश कुमार के बारे में 4 से 5 महीने पहले कहा था कि महागठबंधन से अगर चुनाव लड़ेंगे तो 5 भी लोकसभा सीट उनको नहीं मिलेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार मेरी बात सुनने के बाद से डर के मारे महागठबंधन से भाग गए। उन्हें ज्ञात हो गया था कि प्रशांत किशोर कह रहा है तो सच में जदयू को 5 सीट भी लोकसभा में नहीं मिलेगी। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद महागठबंधन की सरकार में लिए गए निर्णयों पर अब कार्रवाई होनी शुरू हो चुकी है। इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा और पीएचडी विभाग से की गई है। पीएचडी विभाग में पहले ही दिन समीक्षा बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने टेंडर में गड़बड़ी की बात कही थी। इसके बाद अब एक विभाग की भी वैकेंसी रद्द कर दी गई है। दरअसल बिहार विधानसभा में महागठबंधन की सरकार के दौरान तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के द्वारा 69 सुरक्षा प्रहरियों की बहाली के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बातें लगातार सामने आ रही थी। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा इस पर लगातार आवाज भी उठा रहे थे। उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी की थी, लेकिन महागठबंधन की सरकार में इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस बार प्रधानमंत्री पर कई सारे बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की चालाकी बिहार की जनता अच्छे से समझ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी वर्षों से लंबित एक ही परियोजना की कई बार पैकेजिंग रीपैकेजिंग करते रहते हैं, कभी रैपर बदल देते हैं, कभी कवर व कलर बदल देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार 2 बिहार यात्रा और कई योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें रीपैकेजिंग का माहिर खिलाड़ी बता दिया। नेता प्रतिपक्ष ने गुरुवार को अपने एक सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी वर्षों से लंबित एक ही परियोजना की कई बार पैकेजिंग रीपैकेजिंग करते रहते हैं, कभी कभी तो रैपर बदल देते हैं और कभी कवर व कलर बदल देते हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार कल यानी 9 मार्च को बिहार पहुंच रहे हैं। वे पटना के पालीगंज में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। हालांकि शाह के दौरे से पहले ही बिहार की सियासत जो है काफी ज्यादा गर्मा गई है। राजद ने अमित शाह के दौरे पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि अमित शाह जहां जाते हैं सिर्फ आग लगाने का काम करते हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा ही छोटी होती है तो उनके नीचे 2 बीजेपी में दूसरे नंबर के हैं, गृह मंत्री अमित शाह, उनका काम आग लगाना है, उनकी सभा कहां से बड़ी हो जाएगी। बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है कि यह बिहार में 40 सांसदों को लेने आते हैं दिल्ली से, बिहार को कुछ देने के लिए इनका आना यहाँ नहीं होता है।
बिहार के जाने माने यूट्यूबर मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि उन्हें कौन टिकट देगा, साथ ही उन्होंने बताया कि किस लोकसभा सीट से वह चुनाव लड़ेंगे। मनीष कश्यप ने इस दौरान तेजस्वी यादव पर भी बयान दिया है। मनीष कश्यप पर NSA लगा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था। करीब 9 महीने बाद जेल से बाहर निकलने वाले बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप इन दिनों काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। वह लोगों के बीच एक बार फिर से चुनावी मोड में दिख रहे हैं। मनीष कश्यप ने इस बार टिकट और चुनाव लड़ने को लेकर बयान दिया है। के पाठक की सख्ती अभी खत्म नहीं हुई है। गुरुवार को उन्होंने पटना में हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में डुप्लीकेट चिन्हित शिक्षक अभ्यर्थियों की भौतिक सत्यापन का फैसला लिया गया। जी आप बता दें कि राज्य भर में कुल 1205 शिक्षक जांच की जद में हैं। इन शिक्षकों को डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित किया गया है। इनकी नौकरी पर तलवार लटक रही है। राज्य में 1205 नियोजित शिक्षकों की जांच की जद में है। BTET, CTET और STET के रोल नंबर के अनुसार सक्षमता परीक्षा में 1205 शिक्षक अभ्यर्थी डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित किए गए हैं और अब इन्हीं शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई थी। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों खेमे में गहमा गहमी है। NDA में सीट बंटवारे में हो रही देरी पर राजद ने तंज किया है। पूर्व मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह ने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराया है और कहा है कि नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं वह खरमंडल मचाते हैं। सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जहां जाते हैं वहां खरमंडल करते हैं। नीतीश कुमार जिस गठबंधन में जाते हैं वहां खरमंडल करते हैं। उनसे इससे बेहतर की उम्मीद की कल्पना नहीं की जा सकती। इस राजनीति से विदा होने से पहले नीतीश कुमार चाहेंगे कि नई पीढ़ी राजनीति में स्थापित ना हो। यह नीतीश कुमार की मुहिम है, इसे बिहार की जनता अब अच्छी तरह से समझती है। उनकी बिहार से विदाई बिल्कुल निश्चित है। PM उज्ज्वला योजना, केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 300 रुपए की सब्सिडी जारी करने की मंजूरी दी है। योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक उज्ज्वला लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाएगी। इससे उत्तर प्रदेश के उज्ज्वला लाभार्थियों को अगले वर्ष भी होली और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने अगले वित्तीय वर्ष भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के उज्ज्वला लाभार्थियों को अगले वर्ष भी होली और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेकर गुरुवार देर रात EOU ने केंद्रीय चयन पर्षद के दफ्तर में छापेमारी की। इस दौरान सिपाही परीक्षा से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। पर्षद के कर्मचारियों व पदाधिकारियों से भी परीक्षा संचालन से जुड़ी जानकारी ली गई। बता दें कि बिहार सिपाही भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा पिछले साल 1 अक्टूबर को ली गई थी। तो आज की इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल TV बिहार। धन्यवाद।